क्या आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं? अगर अब तक नहीं दिख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें कि आखिर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण कब से दिखेंगे। ये ज़रूरी है जानना, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं भी है तो एक अंदर मन में एक उत्सुकता लगी रहती है कि आखिर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण कब से दिखने शुरू होंगे अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि जब इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो बहुत सारी महिलाओं को सिम्टम्स नहीं समझ में आते हैं। उस वक्त बॉडी में चेंज होता है, जैसे सेल और एग फर्टाइल होते हैं आपस में, तो उस वक्त जो सिम्टम्स होता है बहुत बारीक सा होता है, सभी महिलाओं को समझ में नहीं आते हैं, या फिर ये बोले कि 80% महिलाओं को समझ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ 20% महिलाएं हैं जो कि गेस कर लेती हैं कि हाँ शायद फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अगर ये नहीं आपको समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला जो प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का, इम्प्लांटेशन के समय भी आपका जो प्रेगनेंसी का हार्मोन्स है जो कि उत्तरदायित्व है उसका, वो ही जिम्मेदार है कि आपके प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे, नहीं बने होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स नहीं बने होते हैं। लेकिन जो इम्प्लांटेशन होता है, गर्भाशय की दीवार पर बच्चा चिपकता है जब, तो उस वक्त भी कई महिलाओं को हल्का सा जो सिम्टम्स होता है वो दिखता है, जैसे कि इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग होना, या फिर मान लें इम्प्लांटेशन क्रैम्प होना, बॉडी के टेम्परेचर में हल्का सा चेंज होना, हल्का सा ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होना, या फिर इचिंग, या फिर पेन हल्का सा निपल्स में फील होना। ये जो मेजर सिम्टम्स है जो कि इम्प्लांटेशन के समय दिखते ही दिखते हैं, ये दिखते हैं। अब ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि ये सिम्टम्स कितने ज़्यादा दिख रहे हैं, या बिल्कुल दबे हुए हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखे। इम्प्लांट हो गया है एम्ब्रो लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं दिखे, वही कई महिलाओं को बिल्कुल झट से दिख जाते हैं। तो ये मैंने क्या बोला कि आपके बॉडी पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि इम्प्लांटेशन का सिम्टम्स तो दिखा, आपने नोटिस किया या नहीं किया, आपने उस क्रैम्प को नोटिस किया या नहीं, ब्लीडिंग को नोटिस किया या नहीं, या फिर कुछ भी आपने नोटिस नहीं किया, ये आप पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ दिन के बाद से, मान लेते हैं कि 4 दिन 5 दिन या 6 दिन के बाद से, कुछ कुछ हार्मोन्स में जो है बढ़ोतरी होने शुरू हो जाती है, हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, जैसे बीटा एचसीजी हो गया या फिर प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो ये सब जब बढ़ने लगे तो हल्की हल्की सी जो आप में चेंजेस है वो नज़र आएंगे, आप बिल्कुल थकावट महसूस करेंगे, ज़्यादा कमजोरी जैसा फील होगा, उपकाई जैसा फील होगा, उपकाई वॉमिटिंग बिल्कुल शुरुआत में नहीं हो जाती लेकिन जी मिचलाना या उपकाई जैसा फील होता है, कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा उपकाई शुरू हो जाती है आनी, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है। हो सकता है आप सोच रही होंगी कि शायद गैस के कारण हो रहा है, या फिर वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आ रही हैं, उसकी महक से मुझे उपकाई आ रहा है, इस तरीके का भी फील होने लगता है। लेकिन होता क्यों है, क्यों, क्योंकि स्मेलिंग सेंसिटिविटी प्रेगनेंसी में तो बढ़ जाती है हार्मोन्स के ही इफ़ेक्ट के कारण, और उस महक से प्रेग्नेंट महिला को उपकाई आने शुरू हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी का ही एक इफ़ेक्ट होता है, हार्मोन्स का ही एक इफ़ेक्ट होता है। नॉर्मली जो डेट होता है उसके 5 दिन पहले से लक्षण दिखने ये थोड़े थोड़े शुरू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। वहीं कई महिलाओं के डेट मिस होने के 10 दिन के बाद से काफ़ी ज़्यादा लक्षण दिखने शुरू होंगे, जैसे कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, वॉमिटिंग हो जाना, फीवर जैसा लगना या बॉडी वार्म लगना, ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। पैरों में हल्का सा क्रैम्प या पेट में हल्का सा क्रैम्प महसूस होना, क्रैम्प क्यों होगा, गैस ज़्यादा बनने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी, ब्लॉटिंग के कारण भी पेट में हल्का सा दर्द महसूस होने लगेगा। तो जो भी ज़्यादा ज़्यादा सिम्टम्स हैं वो डेट के आसपास दिखने लगेंगे, और डेट के पहले 5 दिन पहले या फिर बोल ले कि 10 दिन पहले जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो जाता है डेट के 10 दिन पहले से ही, तो ये हल्का हल्का सा सिम्टम्स महसूस होगा, बॉडी में हल्का सा चेंज नज़र आएगा, टेम्परेचर में उपकाई जैसा आना, कमजोरी जैसा लगना, वीकनेस जैसा लगना, यूरिनेशन में बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना, ये सब हल्का सा चेंज नज़र आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।